Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you've landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description box. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Okay, humne ye miss kar diya, so sorry when it came. Types of relationships in India, Indian relationships by not your type video. ओके इनकी वीडियो हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है यू नो आई लाइक दैट आई रियली लाइक दैट यू हैव टू यूज़ योर माइंड और यू जस्ट हैव टू लाइक ट्राई टू गेट अ डीपर मीनिंग रादर देन इट्स ऑल इन योर फेस लाइक देखो ये हंसो ये चीज़ है नो ऑफेंस आई रियली एन्जॉय दोस काइंड ऑफ वीडियोज़ एज़ वेल लेकिन ये भी अलग तरीके से इट्स अ यूनिक वीडियो एंड आई रियली एन्जॉय देम टू आई थिंक हमने इतने सारे नहीं किए हैं बट जितना किया है उतना तुमको मज़ा आया है सो होपफुली ये भी ऐसा ही होगा और रिलेटेबल होगा मे बी बिकॉज इट्स ऑन रिलेशनशिप्स इन इंडिया आई डोंट नो ये किस बात की रिलेशन किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं इट माइट बी विथ योर फ्रेंड्स इट माइट बी विथ योर फैमिली ब्रदर सिस्टर एंड योर लवर सभी चीज़ें एक पे सीमित नहीं होती बट यू नेवर नो विल सी विल फाइंड आउट राइट लेट्स गो एंड प्ले रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंटरनेट पर तुम्हें ये भर भर के देखने को मिल जाएगा 12 अच्छा। साल के बच्चे आज बंदी घुमा रहे हैं जोर जोर से घुमा रहे हैं प्यार भरी बातें हो रही है ओए सुखी तू कहे तो तेरे लिए चांद सितारे तोड़ रहा हूँ तुझे अपने क्रीम वाले बिस्किट दे दूँ नहीं यार क्रीम वाले बिस्किट नहीं तू कहे तो तेरे लिए सीने पर गोली खा लूं सन्नी हाँ फिर से पैंट में मुंह किया ना तू आज स्कूल में अरे बाप रे सुखी चल कल सीने पर गोली खाऊंगा तेरे लिए अभी बाय मम्मी वो अली की सुसू है अली कैसे मूत्र है तेरी पैंट में गोली बराबर के बच्चे सीने पे गोली खाने की बातें कर रहे हैं भाई जब मैं 12 साल का था मैं सोचता था ये अंकल चिप्स कौन सा अंकल बनाया जा रहा है और इतनी सारी कैसे बना रहा है मेरा नाम है अंकल चिप्स वैसे तो ज्यादातर समय चिप्स बनाने और बच्चों के साथ मौसम पाई खेलने में चला जाता है लेकिन खाली टाइम में मैं खुद को गुदगुदा भी लेता हूँ देखना चाहोगे अरे मायरे अरे बस करो भाई But I agree. मैं छोटा था मुझसे आई कांटेक्ट तक नहीं होता था लड़कियों से ओए वो मुझे पसंद है कौन विराट नहीं यार विराट नहीं विराट तो मिन्नू को पसंद है गोली अरे गोली नहीं कोहली नहीं अगर दो गोली अष्टमा की एक साथ खाओगे तो तुम्हें हल्का लगेगा हम मिन्नू अजीब से मुंह बना के अपने कच्चे में हगना बंद कर अरे तू विराट के पीछे देख यार शिल्पी हाँ हाँ बोल क्या उसको अच्छा रुक जाता हूँ और शिल्पी वो मेरा दोस्त वो मुझे गली गली सिमसिम बहुत पसंद है चल बाय ये अजीब सा लड़का तुझे क्या बोल के गया बोला गली गली सिमसिम उसे बहुत पसंद है और ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है लगता है उसने कच्चे में हग लिया होगा रिलेशनशिप के असली ड्रामे तो तुम्हें 16 से लेकर 19 साल तक के बालकों में मिलेंगे पहले ये बोलते हैं पहला प्यार झूठा होता है अच्छा सही बात है फिर इन नमूनों को हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है लड़की देखेंगे तक नहीं आई लव यू अरे ये क्या बड़बोला बच्चा मेरे प्यार में पड़ गया लेकिन अब उसमें ये भी क्या करेगा मैं हुई इतना सुंदर स्पेशल और क्या तुमने मेरा दूसरा सर देखा चुकंदर इसकी माँ का ओ हेलो मेरी माँ का नहीं आपकी माँ का साकीना का क्या आप लोग हमारे साकीना का ग्रुप में डोनेट करना पसंद करेंगे हम बुढ़े लोगों को नॉर्मली रहना सिखाते हैं दुबे जी अपने पैरों के बल चलिए चल हट नाश मिटी मैं एक मेंढक हूँ और ये मैं चला टिकी 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 इस एज ग्रुप के जो कपल्स होते हैं ना ओके आई एम गोना पॉज टू से दिस एज जैसा मैंने एज यूजुअल और जैसा मैंने पहले बोला इनके वीडियोस आर ऑलवेज वेरी यूनिक उनका स्टाइल भी बड़ा यूनिक है एंड आई एन्जॉय दैट आई कम्प्लीटली एन्जॉय दैट ओके सो दिस इज़ अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स या फिर लवर रिलेशनशिप वॉट एवर आई सो अग्री टू दिस आई थिंक ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है आई थिंक ये सोशल मीडिया और इंटरनेट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हमको पहले से पता चल जाता है यू नो अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड बिफोर और आई थिंक एटलीस्ट जो 90s किड्स हैं हमारी जनरेशन थी नॉट दैट वी आर नॉट मे बी फॉरवर्ड इनफ बट हमारे जो 5 साल छोटे लड़के लड़कियाँ हैं दे आर मच अहेड ऑफ अस एंड आई थिंक वो जनरेशन बढ़ती जाएगी राइट वी आर मिलेनियल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग और अभी है वो जेन जी है एंड देन इट विल कीप चेंजिंग सो द जेन जी स्पेशली इज नॉट इन द बैड वे ऑलवेज आई थिंक उनको काफ़ी सारी समझ है जो हमको नहीं थी उस टाइम पर एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग
दे आर वेरी ओपन माइंडेड, जो हम नहीं थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. ऑफकोर्स उस सब प्रोस एंड कॉन्स सबके सबके बारे में होते हैं और सब चीज़ को लेके भी होते हैं. सो आई सपोज देर आर लॉट ऑफ देम, बट आई डू रिलेट टू दिस कि आई हैव लाइक यू नो लिटरली किड्स हु टॉक अबाउट दे हैव गर्ल फ्रेंड्स और दे हैव बॉय फ्रेंड्स एंड द वे दे टॉक जस्ट साउंड सो ग्रोन अप. आई मीन नथिंग रॉन्ग विथ साउंडिंग ग्रोन अप और बींग मच्योर अपनी एज से, लेकिन वेन यू आर इन योर चाइल्ड हुड और बचपन ना जिए, वो इनोसेंस ना रहे, आई डोंट नो देन वॉट इज लाइक यू नो बोलते ना बच्चे इनोसेंट होते हैं, बट नॉट किड्स दीज डेज. यू श्योर दे आर इनोसेंट? आई डोंट थिंक सो. एंड ओह गॉड, ही हैज़ डन सो मच ऑफ एवरीथिंग इज सो रिलेटेबल. आई एम सॉरी, अभी आई हैव जस्ट गॉट अवे माई पहला पहला वीडियो आज का, सो माई टंग इज़ गेटिंग टाइट फॉर सेइंग एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू से, और जो मेरे दिमाग में जम्बल्ड अप वर्ड्स है वो एकदम से नहीं आ रहे, बट दैट्स फाइन, इट हैपन्स. आपकी तरह मैं भी इंसान हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि मैं सभी चीज़ सही बोलूँगी, टर्न आउट और गो आउट इन द फ्लो. येस, आई हैव डेज लाइक दैट टू, सो इट्स ओके. मुझे कुछ और भी बोलना था बट आई थिंक आई फॉरगॉटन इट फॉर नाउ. ख़त्म करते हैं, उसके बाद आई जस्ट गो थ्रू वन मोर टाइम आगे का पार्ट सो दैट आई कैन रिमेंबर वॉट आई वॉज सेइंग. बट येस, मैं ये बोलना चाहती थी कि जो जेन ज़ी है आजकल की, दे आर मच अहेड ऑफ अस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसमें प्रोज भी है कॉन्स भी है, कुछ चीज़ें सीखने लायक भी है, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ बेटर थी ऐसा लगता है देख के, हमारे टाइम में बेटर थी, मिलेनियल टाइम में बेटर थी, दैट्स व्हाट आई फील. ऑफ कोर्स आई डोंट नो, व्हाट अबाउट यू, लेट मी नो. Going ahead. स्टार्टिंग में एक दूसरे से बहुत बातें करेंगे, अपने जीवन की एक एक बातें बता देंगे एक दूसरे को. तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पापा असलियत में बैटमैन थोड़ी ना है, वो एक चोर है. है? अरे यार, नहीं 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 नहीं. अंकल मत करो, सर घूम रहा है. जरा मुझे उससे बात करने दो. टिम्मी बेटा, ये चोर वाली बात अपने घर तक ही रखनी है, सबको बताना नहीं है. तुम इसे जरा समझा दो, जब इसका नया बॉयफ्रेंड बनेगा तो उसे ये चोर वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए. और ये तुम्हारे माता पिता कुछ कमाते धमाते नहीं है क्या? तिजोरी से बस एक ही गड्डी मिली, उन्हें बोलो कुछ कमाए धमाए. ओके अंकल, बोलो उन्हें जरा कुछ कमाए धमाए. वैसे टिम्मी, मेरे पापा भी एक पुलिस वाले हैं. शर्मा जी को 1000 बार बोला है मुझे रात में ड्यूटी पे नहीं बुलाए, मेरा पेट खराब हो जाता है. वो क्या है, सलवार में कृष के कबर बिज्जू है? आखिर भरमुंजी तो है क्या? में कृष जांग पे मार दी रे, ब्लैडर भी फोड़ दिया माई रे. चलो, निशाना सही जगह लगा. लगता है तुम्हारे पापा मर गए. स्टार्टिंग में ये लोग एक दूसरे में बहुत घुसेंगे, एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करेंगे. क्या कर रही हो? हाँ, खाना खाया तुमने? नहीं, नहीं? नहीं. तुम्हें पता नहीं है क्या, खाने में प्रोटीन्स होते हैं. अच्छा, तुम तो लकड़ी बनते जा रही हो, लकड़ी. ये चावल खाओ. लेकिन पता है, थोड़े टाइम के बाद ये टीनेज कपल एक दूसरे से बोर हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक दूसरे से इतनी बातें कर लेते हैं, इतनी ज्यादा केयर कर लेते हैं, और तब स्टार्ट होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप. कुछ खा के आता हूँ. टॉक्सिक रिलेशनशिप के टाइम पे तुम्हारी हर टाइम लड़ाइयाँ हो रही होती है, ज्यादातर तो किसी नए लड़के या लड़की के आने की वजह से. वो लड़का कौन है, उससे क्यों बात कर रही हो? मेरी मर्जी. Oh my God, पंच मारा. बात करना होगा करूंगी. सुन लिया ना, चल अब भाग यहाँ से, भाग 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 भाग. ओए बड़ी छाती वाले, डरता नहीं हूँ तेरे से, ठीक है? चट मार रही है, इसको समझा ले, मार रही है तो मेरे को दर्द हो रहा है. टीनेज में अक्सर यही होता है, तुम अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से अपने दोस्तों से दूर हो जाते हो, पूरा टाइम ट्रस्ट अपने पार्टनर को दे देते हो, बट देन तुम्हारा पार्टनर तुमसे बोर हो जाता है, उसे कोई नया बंदा या बंदी मिल जाता है और वो तुम्हारा काट देता है. अल्टीमेट कटाई. वेट, इस नाम का शो बन सकता है आज. अल्टीमेट कटाई में देखिए. हे, तुमने तो वो पेड़ काट दिए. हाँ तो, उसके पीछे मेरे नाना जी छुपे हुए थे, हम लोग लुका टिपी खेल रहे थे. अच्छा, तो वो चिल्लाने की आवाज गाने से नहीं आ रही थी? गाना तो बज भी नहीं रहा है. क्या 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 क्या? देखिए, शाम 6:30 बजे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद तुम्हारा बहुत बुरा ब्रेकअप हो जाता है, इतने अटैचमेंट्स ट्रस्ट सब खत्म. बीन देयर, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बीन देयर. नहीं हो रहा मुझसे.
इतनी ज्यादा पंचायत से तो आईपीएल विन ट्राई कर लो। आईपीएल विन पीपीएल समोसा। ओ तेरी बहनू, आईपीएल विन के बारे में कौन बात कर रहा है? अरे पाजी, डरने वाली बात नहीं, पॉपुलर और रेप्यूटेबल वेबसाइट है। यहाँ पर तुम्हें रजिस्टर करते ही ₹100 का बोनस मिल जाएगा। हैं? ओ तेरी, सच्ची में? यार इसको कौन लेके आया है, इतनी गंदी एक्टिंग कर रहा है। एक्चुअली सर, हम उसे नहीं, इसे लेके आए थे। हैं? ओ तेरी, सच्ची में? यही वाला टाइप। आईपीएल विन में हॉट टॉपिक्स जैसे नेशनल इवेंट, मंथली कैश इवेंट्स में भी तुम बोनस कमा सकते हो। आईफोन 13 जीतने से लेकर बहुत लेटेस्ट स्पिन एक्टिविटी में भी पार्ट ले सकते हो। आई थिंक हम सब, इफ यू आर नॉट इन योर टीनेज राइट नाउ, तो मुझे देख रहे हैं, जीत सकते हो। बट आई डू फील एट सम पॉइंट कि अगर आप गलती नहीं करोगे तो कहां से सीखोगे कैसे? कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। यू हैव टू मेक योर ओन मिस्टेक्स टू लर्न एट द सेम टाइम। क्या बात कर रहा है, सच्ची में? हे भगवान, इंटरनेट पर भी बस ज्यादातर दो ही प्रकार के टीनेजर्स मिलेंगे, पहले जो रिलेशनशिप में है और दूसरे जो सिंगल है बहन के टके जैसे मैं। और इन्हीं दो टाइप के बीच में कहीं ना कहीं तुम्हें वो मोटिवेशन वाले बच्चे मिल जाएंगे। अगर तुम किसी को डेट करने का सोच रहे हो तो तुम्हें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी, वरना तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस सकते हो। नंबर वन, स्टार्टिंग में ओवर शेयर करना बंद करो। जितना अपने बारे में किसी को बताओगे तुम उससे उतना ही ज्यादा अटैच होते जाओगे, और स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं पता होता है कि सामने वाला कैसा है, क्या चाहता है, क्या वो एक क्रिमिनल है। नंबर टू, मेक श्योर तुम्हारा ओवर रिएक्टिंग ना हो, वरना छोटी छोटी चीजों को भी पहाड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। नंबर थ्री, तुम्हारा पार्टनर कोई भी तुम पर फालतू की रेस्ट्रिक्शन वगैरह ना लगाए। और मैं पहले ही बता दूं, ये सारे मेरे अपने ओपिनियन है, मैं तुम्हारा कोई ब्रेकअप वगैरह नहीं करवाना चाहता। और अगर गलती से हो भी जाता है तो टेंशन की बात नहीं है, तुम कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हो, शायद मैं तुम्हें नहीं तो पता चला लॉन्डे कमेंट कर रहे हैं। भाई 9956 वाला नंबर है, नाम मनीष, तू कॉल कर देना रात को, कृषि विज्ञान और देश की गिरती जीडीपी के बारे में बात करेंगे। रवि और मुट्ठू भी है अपने साथ। प्लीज ऐसे कमेंट करके मेरी आत्मा को और मत दुखाना। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, एम करते 3,00,000 लाइक्स के लिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में डाल देना। लास्ट वीडियो है, दो हाथ जोड़ने वाले इमोजी ऐसे डाल के। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, अच्छी क्या अच्छा मैसेज था एंड में, दैट्स रियली नाइस, दैट्स वेरी ट्रू। बट व्हेन यू आर इमैच्योर यू डू डेफिनेटली ऑल दिस थिंग्स। एंड लाइक आई सेड नो, कि आजकल की जनरेशन एटलीस्ट हमारी जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा मच्योर है। लाइक एटलीस्ट आई सी देम ऑन सोशल मीडिया। मेरी बहन है जो मेरे से 10 साल छोटी है, बट आई सी हर एंड हर व्यूज़ एंड हर द वे शी टॉक्स, द वे शी पोस्ट्स ऑन इंस्टाग्राम, वो काफ़ी लाइक आई थिंक इट्स मच बेटर देन वॉट आई यूज टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एट दैट टाइम, या फिर अभी भी। नो द अमाउंट ऑफ सेल्फ लव दैट दे हैव, दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें नहीं पता थी उस टाइम, या फिर मे बी अभी भी हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप्स, इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स अबाउट हाउ टू जज समवन और नॉट जज समवन एंड बी अनबायस्ड एंड स्टफ लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई आई हैव फिगर्ड आउट कि नो देर आर पीपल लाइक दैट, एंड वेरी अमेजिंग मैसेज फॉर पीपल आउट देयर जो ये गलतियाँ करने वाले हैं। बट येस, जैसा मैंने बोला, आप बोल सकते हैं किसी को अगर ऐसा मत करना वैसा मत करना, बट अनटिल एंड अनलेस आप भी उस राह से गुजरे हो और आपको भी वही चीज़ वही धोखा मिला नहीं है, तब तक आई यू नॉट अंडरस्टैंड इट, आपको लगे हाँ कोई कुछ भी बोल रहा है। बट वंस यू गो थ्रू इट, हाँ ऐसा बोला था मुझे किसी ने, या फिर यू लर्न हाउ टू नॉट बी विद दैट काइंड ऑफ पीपल। इट माई फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ डोंट जज मी, प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दैट। But that's very true. I mean, that's what I'll say to a younger generation. अगर मुझे कुछ कहने को मिल रहा है, just make your own mistakes, learn from it, दोबारा मत दोहरा उसको, learn from your own mistakes, and just try to be a decent human being. That's what it is. And relationships are going to turn toxic at some point, I feel. अगर दो बोथ ऑफ यू आर ओल्ड इनफ, लेकिन कोई उनमें से एक मच्योर नहीं है, या फिर देयर इज इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ थिंग्स दैट ऑल्सो मैटर। सिर्फ एज ही नहीं है जो मैटर करती है, क्योंकि हर एज से बड़ा हुआ आदमी या फिर औरत दिमाग से मच्योर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एंड नॉट एवरी वन हु इज़ यंग वो दिमाग से मच्योर ना हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। बट या आई नो देर आर पीपल अराउंड जो बहुत कम उम्र में दे आर लाइक प्रेगनेंट एंड स्टफ, यू नो, I mean, I feel like that's just weird to me. ये मेरा personal opinion again, because बहुत सारी चीज़ें हैं करने को life में. I hope they can also explore that first and take care of not going there. Time over.
बट आई मीन क्या कह सकते हो, ये हमारा ओपिनियन है, लोगों को लेना होगा तो वो एडवाइस लेंगे वरना वो जाने देंगे. बट दैट्स व्हाट इट इज. होप यू गाइस एंजॉयड एंड आई एम रियली सॉरी अगेन फॉर ऑल दैट स्लिप ऑफ टंग आई हैड, बट इट्स ओके. इट्स ओके, सॉरी, वापस लेती हूँ. इट्स ओके. आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. लव यू.